हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का टॉपिक है HTML ट्यूटोरियल 11 और टॉपिक है वेब पेज। HTML वेब पेज कैसे बनाते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं, और होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो HTML वेब पेज होता क्या है एक्चुअली? आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में सबसे पहले टॉप होता है, टॉप जिसको हेडर बोलते हैं, जिसमें मेन्यूज लेके होते हैं, मेन्यूज बार होते हैं, सर्च बार होता है। ऊपर का जो एरिया दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हेडर बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो पार्ट है इसको लेफ्ट साइड बार बोलते हैं, राइट साइड वाले पार्ट को राइट साइड बार बोलते हैं, और बीच वाले जो सेंटर पार्ट है इसको मेन कंटेंट एरिया बोलते हैं, और नीचे का सबसे होता है उसको फुटर बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार का जो कंटेंट और हेडर का और फुटर का, ये कंटेंट चेंज नहीं होता है, बहुत ही कम चेंज होता है अक्सर। और मेन कंटेंट हम जब भी कहीं पे क्लिक करते हैं तो जो एरिया चेंज होता है, जिसपे कंटेंट चेंज होता है बार बार, वो होता है मेन कंटेंट एरिया। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे वेब पेज का। वेब पेज का मतलब वेबसाइट का पेज, और मोस्टली स्टार्टिंग होता है लैंडिंग पेज यानी कि होम पेज से। तो हमारा कुछ इस तरह का ही होता है वेब पेज। अब इसमें कैसे वैल्यू डाली जाती है ये देखते हैं। तो जो हेडर पार्ट होता है उसमें एक लेफ्ट साइड में लोगो होता है वेबसाइट का, उसके राइट साइड में मेनू बार होते हैं लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। लेफ्ट साइड में हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में हमारे वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वहां पे क्या ऐड करना है। जैसे कि मैंने अभी इसमें लेफ्ट साइड बार में RSS फीड का कंटेंट डाला है जो किसी API के थ्रू आता है। राइट साइड में मैंने लॉगिन बार दिया है। आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं राइट साइड में, कुछ भी कंटेंट जो आप परमानेंटली शो कराना चाहते हैं। फुटर में वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है, कॉपीराइट लग देते हैं या लिंक्स लिख देते हैं, मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। और ये जो है हेडिंग है, होम जो लिखा है ये हेडिंग पार्ट है कंटेंट एरिया में। और ये इसका मैंने अभी लॉरेंशन डमी कंटेंट डाल रखा है टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट इस तरह से दिखता है, ये और भी मैंने इस तरीके से दिखता है, अभी मैंने ये डाल के रखा है। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये होता है, ये वेब पेज क्या होता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेआउट, इसको लेआउट बोलते हैं, और ये इसका होम पेज हो गया। मैंने राइट नाउ ये होम पेज दिखाई दे रहा है आपको। अब हम चलिए हम HTML के थ्रू, केवल HTML के थ्रू हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक एडिटर यूज कर रहा हूँ, सबलाइम, मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है? और ये कलर कोड क्या है, हम एज इट इज थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकता है, क्योंकि हमको अगर सेम कलर चाहिए तो हमको सेम कलर कोड यूज करना पड़ेगा। और HTML मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को HTML का बेसिक नॉलेज है, और अगर आपको नहीं है तो मैंने अपने YouTube चैनल पे पूरा 10 वीडियो डाल के रखे हैं, उनको आप स्टार्टिंग से देखिए। और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं आता है समझ में, हम अपने एक फोल्डर में, यहाँ पे मैं रखता हूँ उसको, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, 11वें नंबर में मैं यहाँ पे रखता हूँ। HTML का एक पेज बनाता हूँ और इसको सेव करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ होम पेज, ठीक है, HTML होम, स्पेस नहीं दिया जाता है नॉर्मली नेम में, डॉट HTML ये मैं रख रहा हूँ अपना वहीं पे जहाँ पे मैं अभी लोकेशन में गया था। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब चलिए, जैसा कि आपको पता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखते हैं हम डॉक टाइप, नॉट DOCT, डॉक टाइप। इसके बाद लगाएंगे HTML टैग, HTML टैग, इसको क्लोज करेंगे। HTML टैग में आता है, उसके बाद हेड टैग, उसके बाद आता है टाइटल टैग,
पेज या होम पेज ऐसा लग देते हैं, होम पेज ही लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये होम पेज। और इसमें अभी तो कुछ नहीं है, अब हम लिखते हैं इसके अंदर बॉडी, इसको सेव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दिखता कैसा है पहली बार में। अब ये ब्लैंक दिख रहा है, केवल यहाँ पे एक टाइटल टैग लगा है इसलिए यहाँ पे होम पेज दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं डिव। ठीक है, डिव को देता हूं क्लास। ये क्लास क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। क्लास का हम यूज इसकी सीएसएस डिजाइन करने के लिए करेंगे, और सीएसएस का वीडियो लिस्ट अलग है, मेरे चैनल में जाके देखिए, जूमटेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल का नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्लास लगाता हूं मैं कंटेनर, कंटेनर ठीक है। इसके अंदर अब जैसा कि आपको पता है, हमें सबसे पहले इस पे बात करते हैं कितने पार्ट चाहिए, हेडर, लेफ्ट वायर, मेन कंटेनर या साइड राइट वायर, साइड वायर, फुटर। तो ये तो हो गया मेन कंटेनर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, मैं कमेंट डालता जाऊंगा कि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है हमारा हेडर। ठीक है, ये हेडर पास स्टार्ट हो रहा है। ये कमेंट इसलिए लगाते हैं ताकि ये वहां पे दिखाई नहीं देगा, ये नहीं करेगा, ये रन नहीं होगा कोड के साथ। अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ क्लास हेडर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड बार साइड बार वैसे एंड लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप जब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो पहला अपने आप कम हो जाएगा। ये राइट साइड बार बाद में आएगा, अब आएगा मेन कंटेन एरिया। ये हम कंटेनर यहां पे लिखेंगे, कंटेनर की जरूरत नहीं। अच्छा, ये हो गया मेन कंटेनर। कंटेनर उसके बाद आएगा राइट साइड बार, राइट साइड बार यहाँ पर आपको वेब पेज बनाना है अगर खुद से, तो आपको सीएसएस डिजाइनिंग आना बहुत जरूरी है। और ये आ गया अब आपका फुटर। फुटर इसको नाम दे दिया फुटर।
क्लास हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं और सेम नाम की कई यूज कर सकते हैं। आईडी जो होती है वो एक ही होती है, यूनिक होती है। अभी हम जेएस का यूज कर नहीं रहे हैं इसलिए आईडी में लगा नहीं रहा हूं, सब में एक एक आईडी दे सकते हैं। अब यहां देखते हैं अभी कैसा दिखेगा H1। H1 क्लोज किया, यहां लिखेंगे हेडर। इसके अंदर लिखेंगे लेफ्ट साइड बार, लिखेंगे फुटर, ये है राइट साइड बार। राइट साइड बार और ये है कंटेंट एरिया। मैंने कंटेंट लिख देते हैं, देखते हैं हेडर हो गया, लेफ्ट साइड बार हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जो है कंटेनर क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है आपको ये कंटेनर से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो वेबसाइट है कितने बिट में चाहिए, बिट वो कितनी चौड़ाई में चाहिए। कुछ वेबसाइट होती हैं फुल बिट में होती हैं। अभी देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक के नीचे एक। हमको इसको इस तरह लाना है, इसके लिए हमको करनी पड़ेगी, ये तो हो गया HTML का काम। अब इसके बाद आगे आता है काम CSS का। अब CSS कैसे काम करती है, अब CSS का काम ले लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं बाकी कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, वीडियो फिर ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल में अभी हम काम इनके लिए CSS लिखते हैं। अभी हम इंटरनल, अगर मैं डिप के अंदर लगाऊंगा वो बोलते हैं इनलाइन। छोटी मोटी सीएस लगाना तो हम इनलाइन यूज करते हैं, लेकिन हमको ज्यादा सीएस यूज करना है तो हम या तो एक्सटर्नल यानी कि दूसरी फाइल में लगाकर हम इसमें यहाँ पे हेड में इंक्लूड कर लेते हैं, या हम इनलाइन इंटरनल लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लास को डॉट से लगाते हैं और यहाँ पे सीएस लिखूंगा, इसको बोलते हैं इंटरनल। मोस्टली हम करते क्या है, अभी हम इंटरनल सीएसएस लिखेंगे, जब हमारी सीएसएस बहुत सारी हो जाएगी हम उसको उठा कॉपी करके फाइल बनाएंगे डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा कोड जो है स्ट्रक्चर वेल मैनेज रहेगा, ताकि वो एक ही पेज पे बहुत सारी कोडिंग ना हो। इसलिए तो मैं सभी की क्लास को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, हेडर हो गया, फुटर हो गया, लेफ्ट साइड बार हो गया, लेफ्ट साइड बार साइड डैश लगाइए, राइट साइड बार और कर देते हैं राइट साइड बार, दोस्तों ये 15 मिनट का वीडियो रहेगा तो ये 15 मिनट खत्म होने वाले हैं। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसकी अगले वीडियो की लिंक भी इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप